सभी को मेरा नमस्ते। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं एक अलग वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स जो हैं वो घर में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो मैंने एक प्रॉब्लम रियलाइज़ किया एज अ टीचर, वो था प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम। बच्चों ने जब मुझे बताया तब मुझे पता चला कि हाँ, उन लोग को अकेले पढ़ने में विदाउट ट्यूशन टीचर या एनी गार्डियंस बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज न्यू वर्ड्स आते ही रहते हैं, न्यू वर्ड, हार्ड वर्ड। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना रही हूँ, मे बी स्टूडेंट्स का बहुत हेल्प होगा। आप लोग अपने कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूले, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं शुरू करती हूँ आगे की वीडियो। सबसे पहले हम लोग एक वर्ड ले, मैंने बहुत सारी वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, सरप्राइज, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, अराइव, सिंपैथिस, डिस्ट्रक्शंस, प्रॉपर्टी, इनहेबिटेंस, नेसेसिटी, एक्सपीरियंस, डिस्कस्ड, कॉन्फ्रेंस, असेंबल, ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स, ट्रस्टीशिप, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिए जो मेरे स्टूडेंट्स को नहीं आ रहे हैं। तो इन लोगों का जैसा क्लास है, छोटा क्लास है, तो उन लोगों को नहीं आ रहा है। तो मेरे आइडिया आया मेरे को कि नहीं, ऐसा एक छोटा सा वीडियो अगर बना दिया जाए तो लोग घर में अकेले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं, देखिए गूगल में हम लोग इसको कैसे खोजेंगे। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के किसी भी एंड्रॉयड सेट में जाएंगे और गूगल में जाते हुए टाइप करेंगे आप सबसे पहले। तो स्पेलिंग आपके पास ऑलरेडी स्पेलिंग जो है वो लिखा हुआ होगा। तो मैं फर्स्ट में क्या लिया है, मैंने एस आई जी एन आई एफ आई सी आई ए एन टी, ये आपने वर्ड लिखा। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग आप कहीं और नोट भी कर सकते हो, पी आर ओ यू एन सी आई टी आई ओ एन, प्रोनाउंसिएशन पी आर ओ यू एन सी आई टी आई ओ एन आई एन इन, उसके बाद आपको लिखनी है इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच। आप इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक माइक का सिंबल है, आप उसको क्लिक करोगे। सिग्निफिकेंट वहाँ से आए। यहाँ देखिए स्लो का एक छोटा सा ये दिखा रहा है, आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। अब फिर से इसको रिपीट करके इसको मोर देन टाइम आपको प्रेस करके ऐसे ही सीखना है। फिर है इसमें और छोटे छोटे, सॉरी मैं फिर से इसको दिखा रही हूँ, इसमें और छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं, उन वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ये 12 सेकंड्स का है, 12 सेकंड का ये वीडियो या म्यूट का है, उसको आपको टैप करना है, अनम्यूट करना है। सिग्निफिकेंट देखिए इसमें 2 times मिनिमम, तो उसके दौरान आप सीख सकते हैं। और ड्यूरेशन देख के, यहाँ देखिए एक 13 seconds का है, तो काफ़ी छोटा है। सेम हियर आपको अनम्यूट दिया गया है। Significance. तो ऐसे आप कोई भी वर्ड, मैं 2-3 words ऐसे बता रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी गूगल में टाइप करके रखा है, बिकॉज़ मेरी टाइपिंग जो है बहुत स्लो है, दैट्स वाई। तो एक दूसरा वर्ड मैंने लिया है यहाँ से, देखिए INHABITANT, इनहेबिटेंट्स प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश। तो इसको हम लोग सेम है, इसको स्लो करिए। नेक्स्ट वर्ड हम लोग आते हैं, बहुत सिंपल है, एक्सपीरियंस। सेम आपको वैसे ही टाइप करना है, ई एक्स पी, पूरा वर्ड टाइप करेंगे, एक्सपीरियंस प्रोनाउंसिएशन पी आर ओ यू एन सी आई ए टी आई ओ एन इन इंग्लिश आएगा। देखिए फिर आपको स्लो ऐसे करना है, फिर स्लो, फिर 11 seconds का यहाँ वीडियो है। सेम हियर टैप करना है इसको, एक्सपीरियंस
तो इस तरीके से आप जितनी चाहे उतनी चाहे आप लोग वर्ड्स निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कई एक वर्ड ही आप लोगों को दिखाया है, तो आप अनदर वर्ड जैसे है कि यहाँ की necessity, 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 इसको स्लो करके फिर क्या थोड़ी सी डिफरेंस होती है। आप जितने भी अलग अलग हम लोग ये निकाल रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो आपके वो लोग जैसे अब्रॉड के देखिए थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, तो इंडियन डिफरेंस थोड़ा सा होगा इंडियन प्रोनाउंसिएशन में, तो आपको मैनेज करके खुद से निकालना है। मैं कुछ एक वर्ड दिखा रही हूँ, जैसे कि हम लोगों के टाइम में क्या होता था कि गूगल का हेल्प नहीं ले सकते थे बिकॉज एंड्रॉयड सेट अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग की टीचर कैसे सिखाती थी, पहले तो के से क, के से ख ऐसे, फिर सेकंड होता था कि बड़े जो वर्ड्स होते हैं उनको ऐड करके, जैसे एक्सपीरियंस, नेसेसिटी, नेसे अलग हो गया, सिटी अलग हो गया, CITY सिटी नहीं यहाँ डबल एस है, डिस्कस्ड, कॉन्फ्रेंस, असेंबल्ड, ऑर्गेनाइजेशन, हेड, या मार्क करके आप पढ़ सकते हो, हेड क्वार्टर्स, आपने ये टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, ट्रस्टीशिप, सिग्निफिकेंट। तो ऐसे करके आप ये सारे पैटर्न्स फॉलो करोगे तो मे बी आप लोग अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से मेरे स्टूडेंट नहीं किसी भी स्टूडेंट को बहुत हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।